हाय गाइस, दिस इज मनस्वी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं आगा खान पैलेस में। अगर आप पुणे से हैं तो पता होगा कितनी हिस्टोरिकल प्लेस है ये और कितनी इम्पोर्टेंट हमारी इंडियन हिस्ट्री में। और अगर आप पुणे से नहीं हो तो डेफिनेटली आपको ये प्लेस विजिट करनी चाहिए और रीज़न आज की वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए, एंटर करने के लिए हमें एंट्रेंस टिकट लेनी होती है जिसकी फीस है 25 रुपीज़ पर पर्सन। आगा खान पैलेस सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने 1892 में बनाया था एंड ईयर 1969 में इंडिया को डोनेट कर दिया था। ईयर 1942 में गांधी जी, उनकी वाइफ कस्तूरबा जी और उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई जी को इस पैलेस में बंदी बनाकर रखा गया। बंदी बनाने के बाद 6 दिन में ही उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई जी का निधन हो गया और 18 महीनों बाद उनकी वाइफ कस्तूरबा जी का भी यहाँ निधन हो गया। उनकी समाधि यहाँ अच्छे से बनाई गई है। गांधी जी के निधन के बाद उनकी अस्थियों को भी कस्तूरबा जी के समाधि के पास ही रखा गया। तो आगा खान पैलेस को प्रिजन ऑफ गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ है गांधी जी का म्यूजियम। इस कमरे में गांधी जी की सब चीजें रखी गई हैं। चलिए इसी रूम में चलते हैं। तो गैलरी में एंटर करते ही आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन दी गई है। गांधी जी के जो विचार थे उनके बारे में, जो भी मूवमेंट्स थे, जो भी स्टेप्स उठाए गए यहाँ पर है कि जो डिसीजंस लिए गए उनके विचारों को यहाँ रखा गया। किस तरह उन्हें आज़ादी चाहिए थी पर अहिंसक तरीके से। महादेव देसाई जी का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भाग था और उन्हीं के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम चलते हैं दूसरी रूम की ओर। यहाँ पर सरोजिनी नायडू को बंदी बनाकर रखा गया था पर कुछ हेल्थ कंडीशंस के कारण उन्हें रिलीज कर दिया गया। तो गांधी जी के अरेस्ट के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया, लोगों में और जागरूकता आई और फिर उन्होंने सोच लिया या तो करेंगे या मरेंगे, दैट इज डू और डाई। यहाँ हम देख सकते हैं गांधी जी का कमरा और उनकी उस वक्त की चीजें यहाँ रखी गई हैं, उनकी बॉटल, ये स्पून, फोक, नाइफ और कुछ यूटेंसिल्स जो वो यूज किया करते थे। वहीं पर हम ये छोटा सा बेड देख सकते हैं, टेबल, उनकी चेयर जहाँ वो बैठती थी, उनके फुटवेयर, उनकी लाठी, सब कुछ वैसे का वैसा ही रखा गया है। इस रूम में जाने का एक्सेस हमें नहीं है, हम ये बाहर से ही देख सकते हैं। अब इस कमरे से निकलते हुए हम दूसरे रूम की ओर जाते हैं और वहीं पे हमें दूसरे एंगल से कुछ और चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे ये चप्पल है, मालाएं हैं, कुछ फ्रेम्स हैं जो वो यूज़ किया करते थे। अब हम आए हैं कस्तूरबा गांधी जी के रूम में। यहाँ पर उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, किस तरह उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, कुछ उस वक्त की तस्वीरें हैं और फिर कस्तूरबा जी का यहीं पे निधन हो गया तो उनकी समाधि की भी तस्वीर यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद हम समाधि की ओर ही चलेंगे। तो जाते हुए हमें यहाँ दिखते हैं सरोजिनी नायडू की लाइब्रेरी जो कि बंद थी, हमने देखा यहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं गांधी जी इसी वे से कस्तूरबा जी की समाधि की ओर गए थे। यहाँ हम देख सकते हैं एक एग्जीबिशन और सेल लगी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कस्तूरबा जी और महादेव देसाई जी जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, उन दोनों की समाधि है। और इन्हीं समाधि के राइट साइड में आप देख सकते हैं गांधी जी की बची हुई अस्थियां यहाँ पर रखी गई कस्तूरबा जी के समाधि के ही साइड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ये हिस्टोरिकल प्लेस बहुत अच्छी लगी हो। पुणे अगर आए हो तो प्लीज़ यहाँ विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।